कहाँ जा रही है? कहाँ है तेरा हीरो? कौन? वही जिसके साथ तू 24 घंटे घूमती है। वो नहीं आया आज। चल तेरी उम्र भी तो वोट डालने की है ना, तू ही वोट डाल दे। छोड़ मुझे। ओहो तेरा ही बूथ है, चल दोनों मिलके इकट्ठे वोट डालते हैं। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़। ओए गुस्सा क्यों हो रही है? अरे भाई छोड़ दो भाई जी, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, छोड़ दो। भाई छोड़ दो इस लड़की को, आज गड़बड़ मत करो, जाने दो इसे। अच्छा अरे अरे यार क्या करें? सोनो इसी हाथ को पकड़ा था उस सरदार ने, आज यही हाथ उसके अंदर घुसा दूंगा। तेरी सूरत पे तो कोई भी मोहित हो जाए, कोई भी। छोड़ मुझे। अरे पकड़ो उसे। रुक जाओ। ए रुक। बाहर आ,
फिर तुझे मजा चखाता तो तुझे टहरिया लेकर चलूंगा तेरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे दस्तखत तो नकली ले सकते हैं, पर मेरे अंगूठे के निशान नकली नहीं ले सकते, इसलिए मैंने अंगूठा लगाया है। मेरा नाम अवतार सिंह, सुपुत्र जोगिंदर सिंह खू वाले, गांव टहरिया, तहसील रामपुरा, जिला भटिंडा, पंजाब। मैं रिपोर्ट लिखवाता हूं कि इन लोगों ने जाली वोट डाले हैं, एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की और अब बम फेंका। और भी जितनी दफा लगा सकते हो लगा लेना। आप जिस जगह बुलाओगे, जिस कोर्ट में बुलाओगे और जिस दिन भी बुलाओगे, मैं गवाही देने आ जाऊंगा। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की एक दिल दहला देने वाली खबर। पंजाब के मालवा इलाके में कैंसर से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इस खास इलाके के लोगों को ही क्यों कैंसर हो रहा है, इसकी वजह बहुत ही सनसनीखेज है। दरअसल एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि यहाँ के पानी में भारी मात्रा में यूरेनियम मिला हुआ है, वही यूरेनियम जो परमाणु बम में इस्तेमाल होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है अमृतसर के दर्शन सिंह का, एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च में, जिसके मुताबिक भटिंडा के पानी, सब्जी और दूध में यूरेनियम मिला है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को कैंसर अपनी चपेट में ले रहा है। जानकारों की माने तो यूरेनियम की मौजूदगी का कारण जमीन का पानी है। इसी पानी को मवेशी पीते हैं, इसी पानी से सिंचाई होती है और इसी जहर बुझे पानी को पीते हैं गाँव के हजारों लोग। श्री दर्शन सिंह यूनिवर्सिटी के मुताबिक गाँव से लिए गए पानी में भारी मात्रा में केमिकल पाया गया। वहीं प्रति किलो गेहूं में 111 माइक्रोग्राम यूरेनियम पाया गया, जिसके चलते इलाकों के लोगों में सिर, फेफड़ों, हड्डियों और आंतों का कैंसर पाया गया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ जाहिर है, समय रहते अगर इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम और भी भयंकर हो सकते हैं। लेकिन सरकार मर्ज के बड़ा होने का इंतजार कर रही है। इन लोगों को मालूम है कि ये पानी नहीं जहर है, इसके बावजूद इसे पीना इनकी मजबूरी है। भटिंडा जिले के इस इलाके में पानी धीरे धीरे इन लोगों को मौत के आगोश में लेता जा रहा है। अवनी तेजा, गौरव मानिक के साथ अमित चौधरी, गांव मलकाना, आपकी राय। क्या बात कर रहा है ये, कौन से यूरेनियम की बात कर रहे हैं? अरे यार, इन सारे झमेले की जड़ वो फैक्ट्री है जो गांव के बाहर लगी है। ये सारा जहर ना उस फैक्ट्री से आ रहा है। मेरी बहन की टांगे नहीं रही, पूरे गाँव के लोग मर रहे हैं। अरे तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो, नहीं तो ये फैक्ट्री में कब का उड़ा देता। अरे हमारी भी 3 भैंसें मर गई हैं, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और अब तो माल भी रेडी है, लेकिन ये लोग हाँ नहीं कर रहे हैं। तू इन्हें मना ले, मैं तो तेरे साथ हूँ। भाई मैं भी तेरे साथ हूँ। तो ठीक है फिर, मैं भी तेरे साथ हूँ। मैं भी तेरे साथ हूँ। तो फिर मिलाओ हाथ। चलो चलो फटाफट, चलो आ जाओ, चलो भाई फटाफट आ जाओ। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
आसपास देख ले कोई है तो नहीं। अरे कोई नहीं है, आजा आजा। चलो 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 जल्दी जल्दी खोलो माचिस निकालो माचिस। हाँ चलो 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 आजा संभाल के आजा। ये थोड़ा देख के चलो, देख कोई है तो नहीं आसपास। चलो चलो आराम, इसे उठा के उधर रख, चला जा। चारों तरफ नजर भी रखना। चलो जल्दी एक बार होगा। अरे माचिस इधर दे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे आ रहा है, अरे जल्दी कर, रुक जाओ, जल्दी। अरे चल लगी यार, अरे 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 बापे, अवतार रुक जाओ। मोनी मैं तुझसे कह रहा हूँ, हट जा सामने से। फिर तो उड़ के रहेगी। ये पांचों गांव की पंचायत के सामने अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, बोलिए इनका क्या करें? इन पांचों को बोलो कि गांव की पंचायत के सामने माफी मांगे और सभी के सामने ये कबूल करें कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम जो कर रहे थे उसमें सबकी भलाई थी, और यार तू हमें ही गुनहगार समझने लगा। मोनी मुझे पता है, 10 दिनों में गांव का पानी पीकर गांव की 10 भैंसे मर गई, तेरी बहन को लकवा मार गया है, ये सोचने की बजाय कि बेचारी की शादी कैसे करनी है, तू उल्टे कामों में पड़ गया है। वो जो केमिकल फैक्ट्री से निकलकर नदी में आ रहा था उसी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। हम जो कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। तुम गलत काम कर रहे थे। ये सभी ठीक कह रहे हैं। मैं हूँ अमृत। फैक्ट्री की वजह से सारे पानी में जहर घुल रहा है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सभी बीमारियों की वजह से मर जाएंगे। मोनी और बाकियों ने जो किया ठीक किया, फैक्ट्री को तो बम से उड़ा देना चाहिए। बम से उड़ा देना चाहिए था, बड़ी आई टेररिस्ट। मुझे लगा तू पढ़ी लिखी है, थोड़ी बहुत तो अकल होगी तुझमें, कोई अच्छी बात करेगी, पर तू तो इनसे भी अनपढ़ और गवार निकली। अगर ये फैक्ट्री को बम से उड़ा देते ना तो फैक्ट्री के केमिकल से 25 किलोमीटर तक के गांव सड़कर स्वाहा हो जाते। बड़ी आई पढ़ी लिखी बेवकूफ। बेटा अवतार, तू ठीक कह रहा है। क्या खाक ठीक कह रहा हूँ? सरपंच साहब, आप पांचों गाँव के हेड सरपंच हो, कभी तो अपनी सही सलाह दिया करो। पानी बोर्ड को अर्जी तो दी हुई है, अब और बता क्या करें? पानी बोर्ड कुछ नहीं करेगा, मंत्री बलवंत राय अपने गांव से जीता है इलेक्शन, वो अपना बंदा है यार, उससे जाकर मिलो ना, अपनी परेशानी उसको बताओ। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा आपसे। तो तू क्यों नहीं जाता? क्या करता है सारा दिन यहाँ गाने बजाने के अलावा? लो, अरे मैं क्यों मिलूं भाई, हमें यहाँ और बहुत सारे काम है। तुम्हें यहाँ क्या काम है? बेकार में घूमते रहते हो। अच्छा, बस पर लिखा बोर्ड तक तो तुमसे पढ़ा नहीं जाता। लोग कहते हैं उसे ऊंट, तुम कहते हो उसे उड़ी बोतल। ये जाएगा चंडीगढ़ मंत्री से मिलने। चुप हो जा तू, कब से कुछ भी बोले जा रही है। मेरा बेटा शेर है, शेर पंजाब का शेर। न इसने कभी किसी की इज्जत लूटी है, न कभी किसी को गलत नजर से देखा है। पढ़ा लिखा भले नहीं है, पर इसमें वो है, वो क्या है जी? वही जो दुनिया को घुमा सकता है। अच्छा अच्छा, क्या अगर तू पढ़ी लिखी है तो तू क्यों नहीं चली जाती इसके साथ शहर? आई बोल, चल के हो गई बोलती बंद। ओए कौन है जो मेरी बहन के बारे में गलत बोल रहा है? मेरी बहन किसी से कम नहीं है, समझे तुम लोग? लो जी, मेरे पास एक आइडिया है जी, अब हम इकट्ठे जाएंगे जी, जाकर मंत्री जी से बात करेंगे, मैं भी चलूंगा साथ में जी। कर लो बात,
भैया आपने तैयारी कर ली होगी ना चंडीगढ़ घूमने की? चुप कर तू, चंडीगढ़ घूमने का शौक नहीं है मुझे, मुझे भी गांव की फिक्र है। इस अकेले को फिक्र है गांव की? ऐसे जेब में हाथ डालकर मसले हल नहीं होते मेरे भाई। काम करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं, करके दिखाऊंगा भी। अरे करेगा क्या, ऐसे हाथ रख के शुरू हो जाएगा और क्या कर सकता तू है। करके दिखा दे, बड़ा चमकीला बनता है। बोलने आया बहुत। तू चला जा बेटा चंडीगढ़ मंत्री से मिलने के लिए और खत्म कर दे इस बीमारी को। ठीक है माँ। पंचायत ये फैसला करती है कि तुम तीनों जाकर मंत्री जी से मिलोगे और पांचों गाँव के लोग तुम्हारे जाने का इंतजाम करेंगे और हम एक अर्जी लिखते हैं जिसमें सारे इलाके के लोग दस्तखत करेंगे। अच्छा तू भी साइन करेगा? ऐसे कामों के लिए तो साइन सीखा है, हमारे पास कौन सी बैंक की बहुत सारी चेकबुक पड़ी है। अच्छा अच्छा, लो जी बस इसे ही चला लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम भी साइन कर दो। कर दूंगा, बहुत टाइम पड़ा है अभी तो। टाइम का क्या है, अभी कर दो। ले अगर मैं करने पर आया ना तो सारे गाँव के साइन कर दूंगा। तो कर दो। तुझे क्या लेना, तू क्यों उंगली कर रही है? हाँ हाँ बेटा कर दे, तू दिखा दे इसे क्या क्या कर सकता है। तू कर मेरे शेयर कर। क्या लिख रहे हो? लिखो। ए तू क्यों हंस रही है इतना? मेरा बेटा शेर है शेर, इसने कभी किसी की इज्जत नहीं लूटी। बड़ी आई हंसने वाली। क्या जी की टिकट आधी ले लेंगे, गांव वालों के पैसे बच जाएंगे। हाँ तेरी आधी ले लेंगे। मतलब टिकट? देख भाई मैं देखने में आधा दिखता हूँ लेकिन हूँ डेढ़। हाँ डेढ़ है तू। अरे माँ तू क्यों घबरा रही है, मैं कोई लड़ने थोड़ी ना जा रहा हूँ वहाँ पर। तू बस भाई का ध्यान रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना बस। अरे बेटा जी। वो पानी दे इनको, ले जाके दिखाना मिनिस्टर साहब को अवतार। हाँ। कि ऐसा पानी पीते हैं गांव के बेचारे लोग। अच्छे से दिखाएंगे जी उन्हें हम कि ऐसे जूस निकलता है हमारे गांव के टोटियों से। अच्छा अच्छा चलो, लो आ गया तुम्हारा ऑटो। चलो जी चलते हैं, नमस्ते सभी को। चलता हूं मैं। नमस्ते नमस्ते भाई, अच्छे से ध्यान रखना भाई। ओ चल रे चल रे चल, आप लोग भी ख्याल रखना अपना। ध्यान रखना बेटा। हां परवाही मेरे अवतार की हिफाजत करना। यार चंडीगढ़ आ तो गए, अब रहना कहाँ है हमें? विधानसभा में ही पता कर लो अगर एक कमरा मिल जाए तो। अरे नहीं यार, वो तिवारी है ना अपने गाँव वाला, वो किस दिन काम आएगा, उसके पास चलते हैं। उसके पास क्यों जाना है? अरे यार मेरा दोस्त है तिवारी, हम उसके पास चलते हैं, अपने ही गांव का बंदा है, वैसे भी एक ही दिन तो रहना है, क्या फर्क पड़ता है। वो पता नहीं क्या बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे टेंशन ना ले, कोई चक्कर नहीं है, मैं समझा दूंगा उसे। ऑटो पकड़ते हैं, चल चलो चलते हैं। और तुझे गले से लगाने को मेरा दिल करदा लेकिन तू है कि मेरे सामने। ए तेरी तो अंधा हो गया क्या, पागल कहीं का? बब्बर भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दो। माफ कर दो भाई, भाई अब निकल दो, यहाँ क्या लंगर चल रहा है, चलना। नहीं भाई मुझे माफ कर दो भाई, चल तू मुझे एक बात बता, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। तू रिपोर्टर है या इनकम टैक्स ऑफिसर? तू फाइल में नोटिस लगाने के बजाय अखबार छापता है? बब्बर भाई मुझे माफ कर दो बब्बर भाई, इसी हाथ से लिखा था ना मेरे भाई के खिलाफ, इसी हाथ से ना। अरे भाई पुलिस पुलिस नहीं है क्या इस इलाके में? अरे बड़ा खतरनाक इलाका है ये जी, आपको पता नहीं क्या? तो लाया क्यों यहाँ से? ये शॉर्टकट रास्ता, इसीलिए इस रास्ते से आया हूँ जी। बंदे भले ही शॉर्ट हो जाए, तुझे तो शॉर्टकट की पड़ी है ना। बस बस यहीं पर रोक दे भाई। यार तेरा दोस्त सब्जी मंडी में रहता है क्या? बड़ी भीड़ भाड़ है यहाँ तो। चला जा मेरी बहन। अरे
ऑटो से कैसे निकलो, बड़ी छोटी है ये तो। भैया कितने पैसे हुए? 100 रुपए बहन जी। हाँ दे दे भाई, पैसे भाई को दे दे। ठीक है गिन ले अच्छे से। 100 रुपए क्या गिनना भाई साहब, अरे जीरो ही गिन ले, तार तू देख ले, क्या पता नोट असली है नकली है। गिन लिया जी पूरे कर लिया ना, तो फिर रसीद दे दे भाई। ऑटो की भी रसीद होती है क्या? कमाल करता है भाई, बस में चढ़ते तो टिकट होती है ना, रेलगाड़ी में चढ़ते वहाँ भी टिकट होती है ना, है तू रसीद नहीं देगा तो गाँव में जाकर दिखाएंगे क्या हम? पंचायत में कैसे दिखाएंगे कि पैसे दिए हमने तुझे? कमाल के बंदे हो, बस लूटते हो शहर को तुम लोग। कहाँ हो आप? मैंने कहा जी कहाँ हो? ओए होए, ओए यारा तेरी खुशबू आ गई मुझे, ओए यारा तेरी खुशबू आ गई मुझे, आ गई मुझे। ओए तू कहीं से भगा के तो नहीं लाया है ना? बचपन में तो तुम दोनों आपस में बहुत झगड़ते थे, कहीं ऐसा तो नहीं तू इसे प्यार करने लग गया है? हाँ मुझे लगता है तो इसे शादी करने वाला है। हाँ पर यार आज तो रजिस्ट्रार का ऑफिस ही बंद है। तिवारी मुंह बंद कर यार, तुझे लगता है मैं इस बेवकूफ से शादी करूंगा? अरे हम तो बलवंत राय जी से मिलने आए हैं गांव के पानी की शिकायत लेकर। तो इसमें क्या अमृत है? अमृत मैं हूँ, मेरा नाम है अमृत। ये अमृत नहीं है, जहर है। इसे हरमंदिर साहब के सरोवर की तरफ पवित्र करके लेकर जाना है। तो आओ तुम्हें मैं ले चलता हूँ, उठा लो जी। हाँ, उठा लो। उसने सामान उठाने के लिए कहा, लड़की उठाने के लिए नहीं। तेरी तो। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा। आओ जी, मेहमान तो तीन आए और तैयारी इतनी सारी कर ली है तुमने तो। तिवारी करता क्या है यार तू? और क्या करेगा तिवारी, नौकरी करता है सरकारी, भगवान का नाम लेते हैं और मौज मनाते हैं। नौकरी से ज्यादा पैसे तो रोटियां सप्लाई करके कमाते हैं। अरे खड़े खड़े क्या देख रही हो, नमस्ते बोलो। मेहमान आए हैं हमारे गांव से। नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते, जी। नमस्ते, नमस्ते। मेहमानों को भूख लगी है, तुम्हारी रोटी की नहीं हुई तैयारी, तो फिर क्या करेगा तिवारी? जल्दी करो, अभी मंत्री जी से भी मिलने जाना है। जितनी जल्दी हम अर्जी देंगे उतनी जल्दी वो फैक्ट्री बंद करेंगे। अरे उठो भाई साहब जी आए हैं, उठो। अरे नहीं रहने दे, उन्होंने आपका हाथ तोड़ दिया। हवलदार। हाँ जी। क्या लगता है उन्हें कि पुलिस मर गई है? हाँ जी सर। शट अप इडियट। हाँ जी आप अपना हाल चाल बताइए, सब ठीक तो है? सब ठीक है। उन्होंने आपका हाथ तोड़ दिया और आप कह रहे हो कि सब ठीक है? ओए वहाँ क्या बकवास कर रहा है, इधर आ। जी जी आया जी। स्टेटमेंट लिखनी है और तू बातें कर रहा है? हाँ ये बताओ तो किसने काटा आपका हाथ? जी किसी ने नहीं। किसी ने नहीं, तो फिर आपका हाथ कहाँ गया? मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। झूठ मत बोलो तुम, दिन दहाड़े बीच सड़क पे तुम्हारा हाथ तोड़ दिया उन्होंने और तुम कहते हो कि ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया? क्या लगता है तुम्हें मैं पागल हूँ, पुलिस मर गई क्या? हे भगवान। क्या लिखूं सर? लिखना क्या है वो रिपोर्ट निकाल जो इसने बनाई है। ये लीजिए। ये देख, ये वो रिपोर्ट है जो तूने बनाई है इंद्रमोहन बब्बर के खिलाफ। उनके सारे इल्लीगल काम इसमें लिखे हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने तेरा हाथ तोड़ दिया। नहीं सर, ट्रक। ओए हिम्मत रख, हिम्मत, और सब कुछ सच सच बता दे, मैं हूं ना। इंस्पेक्टर साहब मैं हाथ का नुकसान तो झेल सकता हूँ, पर अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे हट, मरो तुम सब के सब, डरपोक हो तुम सब। ओए अगर तू सच्ची गवाही दे देगा ना तो मैं उन सब को उठा के अंदर डाल दूंगा। ओए जब तूने रिपोर्ट लिखी थी तब भी शराब पी हुई थी क्या, या कोई नशा किया हुआ था? तब तो तुझे डर नहीं लगा था? ओए डॉक्टर ऐसे लोगों को तो टीका लगा के मार देना चाहिए। तू अपने आप को मर्द बोलता है रे, हट। चूड़ियां पहले चूड़ियां, अगर तूने खुद ना पहनी ना तो बब्बर जैसे लोग आके पहना देंगे तुझे। चलो। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्कार। अरे सतनाम तू यहाँ, सीधा अंदर आ जाना था मेरे कमरे में।
तू भी ना अपने पिताजी जैसा है, सीधा और शरीफ। सर हमने सुना है कि आप दिल्ली जा रहे हैं महंगाई की प्रॉब्लम को लेकर बात करने। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आप जरूर कोई ना कोई हल निकाल कर आएंगे। देखो उम्मीद तो मैं बहुत लेकर जा रहा हूँ, बाकी उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। स्पीड में बहुत भाई साहब, आगे पीछे कुछ नहीं देखते। हो बिल्ले तू यहाँ? हाँ जी मैं तो यही साहब के पास काम करता हूँ जी। अरे ये तो अपना बिल्ला है। हमें भी तो साहब को मिलना है। जल्दी जाओ जी, वो तो दिल्ली जा रहे हैं किसी काम से। चलो भैया चलो, चलो। वो बिल्ले पुलिस वालों का तो पेट बढ़ता है, तेरी तो मूछें बढ़ती जा रही है। नया स्टाइल है जी, नया स्टाइल। सर आने वाले असेंबली के इलेक्शंस में आप अपनी पार्टी पार्टी की भलाई के लिए सतनाम सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सच है? आप सभी फ्रीडम फाइटर गुरिंदर सिंह के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने देश की निष्काम सेवा की है और उनकी मिसाल देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हमने आने वाली असेंबली इलेक्शन में उनके बेटे सतनाम सिंह को चुनाव के लिए खड़ा किया है। ये देश के लिए भी अच्छा होगा और इनकी चुनाव क्षेत्र के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जी इन्हें ही सपोर्ट करेंगे। मेहरबानी जी। अरे साइड हटना भाई जी। नमस्ते सर जी। ओ कहां जा रहे हो भाई? अरे भाई एक मिनट, हम उनके गांव से हैं सर जी। नमस्ते सर, मैं टहरिया गांव से हूँ। आजा आजा। नमस्ते भाई जी, हम टहरिया गांव से आए हैं जी। गांव के पानी के बारे में बात करनी थी। नदी का पानी सारा गंदा हो रहा है हमारे गांव का। एक फैक्ट्री है वहां पर, उसकी वजह से सारे गांव का पानी गंदा हो रहा है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। फैक्ट्री पानी? जी सर। मैं दिल्ली जा रहा हूं बहुत जरूरी काम से। तुम एक काम करो, ये पूरी फाइल तैयार करके मेरे पीए को दे दो। जी, मैं वापस आकर देख लूंगा। पर सर जी सुनो, तुम इनसे फाइल ले लेना, जब मैं वापस आऊंगा मुझे फॉरवर्ड कर देना। राइट सर, मैं मिलता हूँ। ठीक है सर, मेहरबानी आपकी। अरे मेहरबानी कैसी है, मैं आकर देखता हूँ। यहाँ आने से पहले तुमने मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम का पता नहीं किया? यार तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं उनका पीए हूँ। अरे यार लड़की को यार करके क्यों बात कर रहा है? लड़की का नाम है यार, सीधी तरह बात करना भाई। अबे निकल जाता है मुंह से, तूने कितनी बार कहा है यार, निकल जाता है यार मुंह से। ओफो, मेरा नाम अमृत है। तू भी टोकती रहा कर यार, अगले चार दिनों के लिए तो गया है वो, चार सालों के लिए थोड़ी ना चला गया। पर हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, गांव वालों ने हमें बस दो दिनों का ही खर्चा देकर भेजा है। ओ भाई मैं तो सोच रहा हूँ मंत्री जी जब आएंगे तब आएंगे, हम लोग तब तक जा करके वो ताजमहल देख करके आ जाते हैं ना। ओफो भैया वो आगरा में है, यहाँ थोड़ी ना है। सुन लो घूमने जाना है इनको, गाँव वालों के पैसे मैं बर्बाद करने नहीं दूंगा। अगर घूमना है तो अपने पैसों से घूम। छोड़ यार अपने पैसों से क्या घूमना, रहने दे, ताजमहल बाद में देख लेंगे, वो तो वैसे ही होगा ना जैसे फोटो में दिखता है। नहीं नहीं चला जा। अरे नहीं भाई रहने दे। अरे घूम के आ जा। छोड़ भाई कौन से ताजमहल में आम लगे हैं भाई, ये लो गुलाब का फूल। आज मैं जस्सी के बालों में फूल लगा ही दूंगा। भाभी गई बाजार, अब डर किस बात का यार। पर भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप उसके बालों में गुलाब का फूल लगाना क्यों चाहते हो? अरे पागल, जिस लड़की से हम प्यार करते हैं उसके बालों में गुलाब का फूल लगाते हैं। आ गई यार। ज्यादा खुश मत हो, जाके गंदे नाले में मुंह धो, ये है तेरी भाभी नंबर दो। जैसी जी हाय। हाय। आज ना मुझे आपसे अपनी दिल की बात कहनी है जी, आज ना मैं आपको एक गुलाब का फूल देना चाहता हूँ जी। पर मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है। ओए मैं मर जाऊँ, आपके हाथ में मेहंदी लगी है तो मैं कब काम आऊंगा। आप एक काम करो, आप थोड़ा सा घूम जाओ, ये फूल मैं आपके बालों में लगा दूंगा। थोड़ा सा घूम जाओ जल्दी से, इधर घूमो। अरे यार मैं इस लड़की को कैसे पटाऊं, अगर किसी और की हो गई ये जान से प्यारी तो फिर क्या करेगा ये तिवारी। अरे बाप रे, क्या बात हो गई बाबा जी, चोट तो नहीं लगी? उठो उठो खड़े हो जाओ, उठो। कहाँ रखनी है बोरी? वो सामने टेम्पो में। अरे पास खड़ा करना चाहिए था ना टेम्पो। वाओ, WWF। स्कूल जा रहे हो? यूनिफॉर्म बड़ी सुंदर लग रही है। ये आपका बिल्ला गिर गया था। बैच? बिच? एक्चुअली मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, आप लगा देंगे प्लीज? पर कहाँ? यहाँ। यहाँ? चल लगा भी दो आप।
ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हो गया। तुम बहुत हैंडसम हो। इसे लग गई लव की बीमारी, अब तो मर जाएगा ये तिवारी। सब हंस क्यों रहे हैं? हुआ क्या है? ये लो देखो। रुक जाओ। अरे अवतार, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अवतार आजा, पकड़ पकड़। अवतार रुक जाओ, रुक जाओ। तुम आजा, आजा पकड़ पकड़। कह रही हूँ रुक जाओ। अवतार रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। रुको, अवतार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे पहले पकड़ ले तो सही। अवतार बाबा भाई, मुझे माफ कर दो। चल बेटा चल, तू भी आ जा। चल मूछ वाली लड़की को देख ले बे। अच्छा तुझे क्या लगता है, मूछ लगा के तू मर्द बन गई है? हमारे साथ पंगा लेगी? अरे तू आ। अरे भाई जी ना ना, गलती हो गई हमसे, ये गलती से आपसे टकरा गई, माफ करना। हाँ तू तू चल, मैं देखता हूँ। चल हट पीछे। अवतार रुक जा, रुक जा, और रुक जा अवतार, रुक जा। हटा ले हटा ले, हाथ पीछे हटा ले, झगड़ा वगड़ा नहीं करना है भाई जी, माफ कर दो। हाँ इसे माफ। मैंने क्या किया भाई जी? तुम यहाँ नए हो क्या? हाँ भाई जी नए हैं यहाँ पर। चल अवतार झगड़ा नहीं करना है, चल यहाँ से। भाई साहब ने बुलाया है। आजा चल ना, चल। ओए समझा दे इसे, नहीं तो हम समझा देंगे। देख अवतार, ये लोग सही नहीं है, इनसे हमें पंगा नहीं लेना है। इन्होंने कहीं शुरू कर दी मारा मारी, तो फिर क्या करेगा ये तिवारी? क्या बात हो गई, कोई परेशानी है? अरे आया है कोई लल्लू, एक थप्पड़ में ठीक हो जाता है। देख लेंगे इन्हें। अरे चल छोड़। चल भाई गाड़ी निकाल। ऐसे बदमाशों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और तुम उनके सामने भीख मांग रहे थे? तू कुछ नहीं जानती, तू बिल्कुल चुप हो जा, तुझे पता नहीं ये लोग कौन है? ये कॉर्पोरेट इंद्रमोहन बब्बर के भाई है। ये इंद्रमोहन बब्बर कौन है? पंजाब की एक और दिल दहला देने वाली खबर। स्वर्गीय गुरिंदर सिंह जी, जो अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते थे, कल रात उनके बेटे सत्तम सिंह का किसी अज्ञात इंसान ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया है। इस कत्ल के पीछे का राज क्या है, अभी तक ये पुलिस नहीं जान पाई। अर्जन हर गोविंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिया यै जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरय कहर नौ निध गावे ताई सब थाई हुई सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दाते अंदर के बोलो जी। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। 24 घंटों के अंदर अंदर मुजरिम मिलना चाहिए। जैन सर, सर एक आदमी आया है आपसे मिलने के लिए। वो
उसे यहाँ क्यों लेकर आए? सर वो आपके घर के बाहर बहुत देर से इंतजार कर रहा था, बोलता है कि मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा, बहुत जरूरी काम है। जा भेज दे। भेजता हूँ जी। आजा भाई। बुला लिया साहब ने। अब जल्दी आ। आ गया जी, आ गया। आजा आजा। आ गया साहब। साहब जी नमस्ते। नमस्ते साहब जी, मैं तो आपके ही आने का इंतजार कर रहा था, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो। साहब जी सतनाम सिंह का कत्ल। क्या? इंद्र मोहन बब्बर के भाइयों ने किया है। इंद्र मोहन बब्बर के भाइयों ने? साहब जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओ पकड़ लो उसे, बच ना पाए। आज तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, कर देंगे तेरे टुकड़े टुकड़े आज। छोड़ तेरी तो। छोड़ना नहीं इसका। चल चल। छोड़ मुझे। अगर मर्द का बच्चा है तो छोड़ के मुझसे लड़ाई कर। पर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? साहब जी मैं बहुत डर गया था, तभी तो आपके पास आया हूँ। लो इसमें डरने वाली क्या बात है, फोन दो। जी सर। ये लो बात करो। कहते हैं कि राजनीति के गंदे खेल के बीच ना तो सबूत छोड़ने चाहिए और ना ही गवाह, पर तुमने सबूत भी छोड़ दिए और गवाह भी। भाई जी मैंने यह काम तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम इंसान को मारने में बहुत तेज हो, पर एक बंदा मुझे आकर कहता है कि साहब जी मैंने सतनाम सिंह का मर्डर अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास सबूत भी मौजूद है। अगर वो बंदा पुलिस स्टेशन चला जाता तो हम क्या करते बब्बर? पर तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उस बंदे को मार दिया, पर इस मर्डर का मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा बब्बर, तुझे पोस्ट दूंगा। पोस्ट? वो भी एमएलए की पोस्ट, और बाहर से मैं सपोर्ट भी करूंगा। क्यों जी? इस क्षेत्र में बहुत पैसा है बब्बर, पर मेरी एक बात याद रखना, सीट तेरी पैसा मेरा। सतनाम सिंह यह सीट जीत जाता इसमें कोई शक नहीं था, पर उसके जीतने पर हमें कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ना तो उसे पैसा लेना था और ना लेने देना था, बस अपने बाप की तरह सच्चाई और ईमानदारी की दुहाई देता वो, इसीलिए मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। पर मेरी एक बात याद रखना, सीट तेरी पैसा मेरा, ये जी डील है। ठीक है, अब हमें सतनाम सिंह के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, सतनाम सिंह की आत्मा की शांति के लिए आज ही पंजाब बंद डिक्लेयर कर दो, ताकि लोगों को हम पर शक ना हो। तोड़ डालो इनकी सारी दुकानें, नहीं बंद करते हैं तो तोड़ दो। चल जाओ। देखते हैं जी आज की क्या खबर है।
क्या छाप दिया? अरे बाहर मत निकलना, क्या हुआ जी? के लोगों ने बाजार बंद करवा दिया है, तुम लोग अगर बाहर गए तो हो जाएगी मुसीबत भारी, फिर क्या करेगा तिवारी? अरे पर मैंने तो अमृत को बाहर फोटो स्टेट करवाने के लिए भेजा हुआ है। क्या बात कर रहा है? अरे रहने तो रहने दो, मत जाओ, मत जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। सतनाम सिंह, सतनाम सिंह, सतनाम सिंह, सतनाम सिंह। ए तूने दुकान क्यों नहीं बंद की? मेरे पापा बाहर गए हैं, आएंगे तो बंद कर देंगे। हट, बंद कर रहे। क्या हुआ? रुक जा। अमृत, ए तुझे पता नहीं आज बाजार बंद है? अरे भाई लड़की अंदर बंद हो गई, एक बच्चा भी है। ए हिम्मत है तो खोल के दिखा। खोलो, खोलो। अमृत तू ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, पर ये बच्चा डर गया है, इसे अंदर ले जाकर पानी पिला दो। कोई बात नहीं, मैं पानी पिला दूंगा, आजा बेटा चल। तुझे तो अब मैं बताती हूँ क्या करा है तू, अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो। चल हट जा, चुप कर, हट। अगर दोबारा मेरे साथ इस तरह से बात की ना तो खींच के एक थप्पड़ मारूंगी तुझे। हाथ छोड़, तलवार छोड़। अरे हाथ छोड़, तलवार छोड़। हाथ छोड़ रे, तलवार छोड़। हाथ छोड़। ओए, ओए इधर सुन, क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ। अरे यही तो प्रॉब्लम है कि किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, लगता है सब के सब दिन में भी आंखें बंद रखते हैं। सुनिए साहब। चल मैडम, बोलिए मैडम। चल चुपचाप। ओ अगर लड़की कुछ बोलना चाहती तो बोलने देना। तू चल सीधा घर अमृत, चल बताने दो। अरे बात सुन, अपनी पैंट कमीज उतार ले और लड़की की सलवार कमीज पहन ले। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? ओए क्या घूर रहा है? ओए अगर मर्द है तो सामने आ। ओए चल जा जा, चूड़ियां पहन ले चूड़ियां, डरपोक कहीं का। अवतार तुमने मुझे क्यों रोका? उसने जो किया वो गलत था, उसे कुछ कहने के बजाय तुमने अपना मुंह बंद कर लिया। अगर हम उस इंस्पेक्टर को सब बता देते तो वो उसे जेल में बंद कर देता। हम ये सब करने नहीं आए यहाँ। तो क्या करने आए हैं? गलत होता हुआ देखकर भी चुप रहने के लिए? बड़ा मर्द बना फिरता है। जाओ जाकर बोल दो इंस्पेक्टर को, घुमा घुमा कर मार देंगे, कभी थाने तो कभी कचहरी, हमें गांव वालों ने इसलिए भेजा है यहाँ। और अगर मैं उसका हाथ मोड़ सकता हूँ ना तो उस कमीने की गर्दन भी तोड़ सकता हूँ। तू तू लड़की है ना, लड़की बनकर रह, बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी, काबू में रख इसे। भाई ये बॉडी शॉडी ऐसे ढाई ढाई किलो के बट्टे सट्टे उठाकर नहीं बनती है, इसके लिए तो भाई वो क्या ना वो मुकदर फेरने पड़ते हैं, मुकदर, और दंड मारना पड़ता है जैसे हम लोग मारते हैं। ये मर जाएगा मेरे हाथ से, और तू एक दंड मार के दिखा दे यहाँ आके। आज तो मेरी तबीयत खराब है, सर्दी लगी हुई है, कल दिखा दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। बॉडी तो मुझे भी बनानी है, पर मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, वो जो ट्रक बस की बॉडी बनाते हैं ना उससे बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं डंबल उठाता हूँ तो मेरे डोले की फूल जाती है नाड़ी, इसीलिए तो जिम ज्वाइन नहीं करता ये तिवारी। हेलो, हेलो जी, नमस्ते जी। वाओ, व्हाट अ बॉडी यार, व्हाट मसल्स, यू आर लुकिंग टू गुड यार, फैंटास्टिक। नो, इवन आई वांट टू मेक अ बॉडी लाइक यू, लाइक WWF। कैन यू टीच मी हाउ टू एक्सरसाइज? क्या कह रहे हो जी आप, मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसे अंग्रेजी नहीं आती। You don't know how to speak English? No problem यार, एक काम करते हैं, आप मुझे एक्सरसाइज करना सिखाओ और मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ।
बोलो क्या करना पड़ेगा? अभी सीखनी है? हाँ। पीछे हट जाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा। इसलिए थोड़ा पीछे होना पड़ता है। शरीर को खोलो ऐसे। कैसे? इस तरह। हवा भर के मुंह से छोड़नी है। आप बताओ ना मुझे क्या क्या करना है। मैं बता देता हूँ, मतलब इसे इसे पहले ऐसे करो। हाँ? पकड़ लो, पकड़ लो जी, हाथ पकड़ लो, शर्माओ मत। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, अब छोड़ो। अब मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ। A for apple, B for ball, C for catch. ओ तिवारी, ये किस पागल के पीछे लग गया फिर से यार? अकल तो है नहीं इसे एक ढेले की। Very good. D for dance. D for dance. E for English. E for English. And F for छोड़ो, बाद में बताऊंगी। अभी आप छोटे हो, कमीने। G for girl. G for girl. H for home. H for home. Home मतलब घर। Home मतलब घर। अपना घर। अपना घर। हम दोनों का घर। आंखें फोड़नी है क्या? हम दोनों का घर। I for me. I for me. G for jump. J for jump. And K for kiss. जैसे मुंह क्यों खराब करिए यार। मोटरसाइकिल तो मेरे बेटे को चाहिए था जी। मंत्री जी को तो आप डॉगी भेंट कर दीजिए, वो बहुत शौकीन है उसके। अजी नाना, वो तो रबर स्टैंप होते हैं, उन्हें क्या करना है जी, सारा काम तो हमें ही करना होता है। धीरे तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मंत्री जी कहीं सुन ना ले। वैसे मैं इनके साथ हंस रहा था। नहीं नहीं, इस बार मैं उनके साथ हंस रहा था। अच्छा सुनो, मारो गोली मेरी हंसी को। आप सिर्फ मोटरसाइकिल पे ध्यान दो, बाद में हंस के ना दिखा दे। यानी लेटरहेड क्यों उठा लिया? मैं सोच रहा था गांव वालों का हिसाब करने के काम आएगा। गांव वालों का हिसाब नहीं करना है जी। हाँ जी। अच्छा, टेरिया। हाँ जी, टेरिया। हाँ, एक मिनट अभी लो। बोलो। सर जी, आपके गांव के लोग आए हैं। कौन? आपने खुद ही कहा था कि जब आया तो भेज देना। आपके एरिया के हैं जी, वो टेहरिया से आए हैं। अंदर भेज दो। अच्छा जी, जाओ भाई, बुला रहे हैं तुम्हें। थैंक यू, थैंक यू। चलो, शुक्र है भगवान का। धन्यवाद जी। एक मिनट रुको। हाँ जी। एक काम करो, आप दोनों जाओ और आप यहीं बैठो जी। नहीं, मैं इनके साथ ही जाऊंगा जी। अरे भाई साहब, कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जाओ 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 जाओ। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते जी। नमस्ते, आ जाओ आ जाओ। मंत्री जी, हम लोग आए थे उस दिन, आप दिल्ली जा रहे थे ना, आपने कहा था मैं दिल्ली से आ जाऊंगा तो बात करूंगा आके। बोलो। मंत्री जी, मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या है। एक मिनट भाई, ये क्या तुम मेरा कह रहे हो? हाँ, अपना गांव बोलो भाई, अपना गांव। देखिए सर, पानी से परेशानी आसपास के सारे गांवों को हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी जड़ वो फैक्ट्री है जिसका केमिकल पूरी नदी में फैल रहा है। हमारी विनती है कि अगर जल्द से जल्द वो फैक्ट्री बंद हो जाती, नहीं तो गांव के लोग कैंसर से मर रहे हैं, लकवा मार रहा है, वो अंधे हो रहे हैं, यहाँ तक कि पशुओं ने दूध देना भी बंद कर दिया है। ये अर्जी है गांव वालों की तरफ से। सारे गांव ने दस्तखत किए हैं? हाँ जी, पांचों गांव के लोगों ने दस्तखत किए हैं। ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लूंगा। मैं तुम्हारी इस कंप्लेन को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास फॉरवर्ड करूंगा और उनकी रिपोर्ट आने के बाद मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को अपने पर्सनल लेटर हेड पे रिक्वेस्ट भेजूंगा कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तुम फिक्र मत करो, हम ये फैक्ट्री बंद करवा कर रहेंगे। मेहरबानी जी आपकी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। इन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि आप उस फैक्ट्री के मालिक हो। आपने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया कि ये लोग क्या चाहते हैं। 5,000 लोगों ने दस्तखत किए हैं इस फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए। मुझे तो एक्शन लेना पड़ेगा भाई, मैं इनका नुमाइंदा हूं, लोगों ने मुझे चुना है, फैक्ट्री तो बंद करनी पड़ेगी।
यह तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। परमानेंट सॉल्यूशन में मिल गया है सर। अच्छा, वेरी गुड। फैक्ट्री का 25% प्रॉफिट आपकी वाइफ के नाम किया। 25 नहीं यार, 30 कर दो। ठीक है सर। यू आर अ वेरी गुड बिजनेसमैन। अरे यार पैर नीचे कर ले, पता नहीं कब मंत्री मंत्री आ जाए। लो जी भाई आ गया जी, आ गया। सर जी, अब ये सारा काम आपके हाथों में है, जितनी जल्दी हो सके करवा दीजिएगा। आप फिक्र मत करो मैडम जी, मैं तो फाइल को धक्के मार मार के आगे भेजूंगा और मैं आपको फोन करूंगा जब पानी के महकमे की रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है जी? जी कर देंगे। तो पानी वानी ना पिए बंदा, अवॉइड करे। पागल हो गया था, इतना क्यों हंस रहा था? बस वैसे ही। ले वैसे ही। भैया कोई तो बात होगी ना? नहीं नहीं, अभी तो कोई बात नहीं हुई थी, हमारा पहले ही हंस हंस के बुरा हाल था, अगर कोई बात हो जाती तो ये नहीं सुधरेगा। हंस हंस के जान निकल जा। अरे ओ भाई भाई, फेंको इस तरफ। बैंगन क्या भाव? 10 रुपए जी। अलमारी अंदर लेकर चलिए। मैडम जी यहीं तक लेके आनी थी, आगे नहीं जा सकते, आप हमें पैसे दे दीजिए। तो इसे अंदर कौन लेकर जाएगा? ये हमें नहीं पता। हेलो WWF, हेलो। ओए चक दे, कौन मैं? प्लीज हेल्प करो मेरी, ये मेरे घर तक छोड़ दो। क्या ये अलमारी? आ गया अभी, एक मिनट में। यस, कितने पैसे? 500 रुपए जी। इतने कैसे? इतने नहीं, चार बंदों का लाए हैं, इतने पैसे तो बनते ही हैं जी। छोटी कहाँ है जी, बहुत बड़ी नहीं, है, पूरी देख लीजिए आप। ये तो बहुत कम है, दूंगी। ये पकड़ो, यही अलमारी है? हाँ जी। बाप रे, बड़ी भारी है, पहले ही भर दिया सारा सामान अंदर? नहीं ये तो खाली है, मैं अभी तो खरीद कर लाई हूँ। पर ये भारी क्यों लग रही है? जरूर कुछ तो है इसके अंदर। बहुत भारी है। बहुत ज्यादा, तभी तो पूछा। नहीं उठा सकती। कौन मैं? आपको पता है कि मैंने कितनी अलमारियां उठाई हैं? इसे भी उठा देते हैं। जरा संभल कर। ताला क्यों लगा दिया इसने? चाहती क्या है? आज नहीं बचता तू अवतार सिंह। जैसी जैसी देखो, जो भी बात है बातचीत करके सेटल कर लेते हैं। पहले बाकी काम कर ले, बातचीत वाला काम बाद में कर लेंगे। क्या हुआ? पानी पानी पीना है मुझे, पानी। ओके। भाग ले अवतार। अलमारी में ही घुस जाता हूँ, मर गया आज तो। कहाँ गया? हेलो स्वीटी पाई, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं तो अलमारी देखने आई थी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बर्निश के पेंट देखने आया था। पेंट नहीं होता, पेंट होता है। चल पेंट ही सही, वही देखने आया था। सुना है कि आपको कोई अलमारी वगैरह उठवानी है? अभी किसी से उठवाई तो नहीं है ना जी? वो तो हो गया जी, वो रही अलमारी। अरे ये क्या, पहले ही कोई उसे उठाकर यहाँ पर रख गया? ओए सोनिया, मुझे बोल देती, मैंने बड़े बड़े फट्टे उठाए हैं जी। तिवारी साहब, फट्टे उठाए होंगे आपने? ये फट्टे नहीं है, फट्टे जोड़ के अलमारी बनी हुई है। मर्दों का काम होता है अलमारियाँ उठाना। अब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, कौन पागल का बच्चा अलमारी को कमरे के बिल्कुल बीच में रख के चला गया है? वो WWF है ना जी, उसने। फंस गया मैं। अब वैसे जी इधर आओ तिवारी जी, आपकी आज्ञा हो तो ये अलमारी बीच में पड़ी है ना, इसे उठा करके मैं ठीक जगह पे रख दूं जी। तू इधर आ, अलमारी मैं उठाऊंगा। ठीक है, मैं बाद में उठाऊंगा अलमारी,
पहले उठा के फेंका हूँ तिवारी। अब देख मेरे भाई, लड़की के पीछे झगड़ा नहीं करना है हमें। ऐसा करते हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते और मिलकर उठा लेते। वैसे आइडिया बुरा नहीं है जी। तुम ना मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे ज्यादा पास आने की कोशिश मत करना। मतलब कुछ करने की कोशिश मत करना। हाँ ये तो बहुत भारी, इसे कैसे उठाएगा तिवारी। हाँ इंदर बोलो, आज इलेक्शन ऑफिस में नॉमिनेशन भरने जा रहे हो ना? हाँ जी भाई साहब। बहुत सारे लोग लेकर जाना। ओके। अच्छा एक काम करना, 5 नारे इंद्रमोहन के लगने चाहिए और 10 सतनाम सिंह के। ठीक है भाई साहब, ठीक है। इस बार का इलेक्शन सतनाम सिंह का टीवी शो लगना चाहिए। हमें सतनाम सिंह के हमदर्दी को कैश करना है, समझ गए ना? ठीक है भाई साहब, जैसा आप कहें। और हाँ, जो मेरे लोग हैं ना जी भाई साहब, वो जुलूस में तुम्हारे लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, पर एक बात याद रखना जी, इलेक्शन से पहले कोई भी टेढ़ी मेढ़ी हरकत नहीं करना। आप फिक्र मत करो भाई साहब। इंद्रमोहन बब्बर जिंदाबाद, इंद्रमोहन बब्बर जिंदाबाद, इंद्रमोहन बब्बर जिंदाबाद, इंद्रमोहन बब्बर जिंदाबाद, सतनाम सिंह 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 जिंदाबाद, सतनाम सिंह। देख रहे हो इन्हें, ये शहर के वो लोग हैं जो सरकारी पट्टा अपने गले में पहनकर लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। एक वो गांधी जी थे जिन्होंने देश के लिए कुछ करके दिखाया तो लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। पहले लोग सियासत में गांधी के पीछे चलते थे ना, अब भी गांधी के पीछे चलते हैं, लेकिन अब गांधी में थोड़ा फर्क हो गया है जी। कोई बड़ी गांधी के पीछे जाता है, कोई छोटी गांधी के पीछे जाता है। छोटा बड़ा गांधी क्या है जी? छोटा गांधी 500 वाला जी और बड़ा गांधी 2000 वाला जी। मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई है जी। हाँ जी, जिस इलाके से इंद्रमोहन बब्बर इलेक्शन लड़ रहा है ना जी, उस पोलिंग बूथ पर मेरी ड्यूटी लगी है। अगर उसने धोखे से वोट डलवा ली सारी तो फिर क्या करेगा तिवारी? सतनाम सिंह जिंदाबाद, सतनाम सिंह जिंदाबाद, इंद्रमोहन बब्बर जिंदाबाद, इंद्रमोहन बब्बर जिंदाबाद, इंद्रमोहन बब्बर जिंदाबाद, इंद्रमोहन बब्बर जिंदाबाद, सतनाम सिंह जिंदाबाद। भाई ये वही आदमी है जिसके साथ पंगा हुआ था मेरा। नमस्ते भाई, तूने ही मेरे भाई का हाथ पकड़ा था। कोई बात नहीं, इलेक्शन खत्म हो जाए तू भी फिर खत्म समझ। चलते हैं, नमस्ते। ये तो वही अलमारी है, अब कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? हेलो, WWF कहाँ है? पता नहीं, मैंने तो उसे कल बताया था कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम था। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। अमृत, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ बोलो। मैं तुम्हें एक चिट्ठी देती हूँ, उसे दे देना प्लीज़। ठीक है। एक्चुअली मेरी कंपनी ने मुझे घर दे दिया है, इसलिए मुझे अब घर छोड़ना पड़ रहा है। आई Love you, WWF. उसे दे देना प्लीज। हाँ हाँ, थैंक यू। देखो तो टिक 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 करती है, चिट्ठी दे गई है। डाकिया लिखा है क्या मेरे मुंह पर? जैसी कह रही थी कुछ। हाँ, वो अपना घर छोड़ के चली गई। मेरे लिए कुछ दिक्कत नहीं गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है, ये चिट्ठी मेरे लिए? नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो किसके लिए है?
भैया 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 वो जस्सी आपके लिए चिट्ठी लेकर गई है। ओए जस्सी की चिट्ठी मैंने मुझे दिखा दी का। पहले मैं पढूंगा, पहले मैं पढूंगा, छोटे से छोटे पहले मैं पढूंगा। अब ये मेरे लिए है दिवाली। मेरे हाथ तो खाली आ गए जी। लिखा हुआ तो मेरे पास आया है, मेरे पास लिखा हुआ आया है जी, आई लव यू। ओ तेरे पास तो लिखा ही आया है, वो तो मैं खुद से भी लिख लूंगा। असली मसाला तो मेरे पास आया है। दिखा दिखा मुझे दिखा। रुक जा, रुक जा। या भाई है या बकरी है? उतना काम आ गया। चल तेरे भाई का भला हो गया। अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता ना तो जस्सी मुझे किस जरूर करती। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग नहीं खराब हो गया है, सच कह रहा हूँ मैं। मुझे ना जस्सी जैसी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है, बजाय की दूसरी लड़कियों के जो चुपचाप रहती हैं तेरे जैसी। क्यों? क्यों? रहने दे, जानता हूँ तू भी बहुत बड़ी शरीफ है। अगर मौका मिले ना तो तू भी ना छोड़े। उस दिन अलमारी में भी तूने मौका नहीं छोड़ा, ले ली थी ना मेरी चुम्बी। वो तो मैंने रोक दिया, तूने तो कर ही दिया था काम। बस करो कमीने। कमीना 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 कमीना। इस बार हमें ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार की तरह इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर मुझे एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का डर है और वो है इंद्रमोहन बब्बर की कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है सर, और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इंद्रमोहन तुम्हें इलेक्शन जीतने के लिए जाली वोट्स तो डलवानी पड़ेगी। उनका इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, पूरा इंतजाम हो गया। सर विद योर परमिशन, जिन 4-5 इलेक्शन बूथों पर खतरा है मैं उन्हें डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ सर। ओके डन। जिस इलाके में ज्यादा वोटर है ना उसे टारगेट करो। पर भाई साहब वो इंस्पेक्टर बलवीर सिंह मुझे। उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। देखो अपने इलाके में इंद्रमोहन बब्बर को जिताना है, याद रखना। इंद्रमोहन बब्बर को जिताना, ये बटन दबाना है। पकड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? कैंपेन खत्म हो गई है। ओए, तुम सारे पुलिस वाले क्या ड्यूटी कर रहे हो? ये बब्बर के बंदे लोगों को धड़ा के वोट डालने की बात बोल रहे हैं और तुम सब खड़े खड़े देख रहे हो। बाहर निकालो इन्हें, चलो निकालो बाहर। ये लो जी, तू मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है, मुझे क्या तेरी गाड़ी चलानी है? ये नहीं चलेगा, कोई और प्रूफ निकाल। राशन कार्ड चलेगा जी। राशन की क्या बात कर रहा है, राशन तो पहले से ही बहुत महंगा हो रखा है। मुझे राशन देकर अपने बच्चों को भूखा मारना चाहता है क्या? क्या जी? और कोई प्रूफ निकाल। वो वोटर कार्ड चलेगा जी। वोटर कार्ड ही तो चाहिए। अब अगर तेरे जैसा बंदा प्रूफ देने में लगा देगा देरी तो फिर क्या करेगा ये तिवारी? सर टेल मी सर। व्हाट सर? मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, अपनी पहले भी तो बात हुई थी ना। उन्हें किसी ने फोन पर मारने की धमकी दी है, इसलिए जल्दी से वहाँ पहुँचो। क्या हुआ सर? बलवंत राय की कमीज फट गई है, उसे सिलने जा रहा हूँ। हाँ जी, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाँ वो पब्लिक फोन से कॉल करके पकड़ने की कोशिश की थी पर अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, बचकर कहाँ जाएगा। अरे राजनीति वालों से बचकर कोई कहाँ जा सकता है जी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आपको तो पता ही है राजनीति में क्या होता है। कोई बात नहीं, अगर वो मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम ढूंढना भी जानते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हो जी। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते सर। ए तेरा दिमाग तो ठीक है? भारी पब्लिक में मुझे सैल्यूट मार रहा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ ये सेवा की भावना उस वक्त दिखाना जब मेरे भाई के लिए वोट डलवाएंगे, समझे? चलो भाई मचा दो तबाही, संभालो सारा काम। चल भाई तू चल मेरे साथ अगले बूथ पर। चल भाई। आजा भाई आजा। ओए ठहर जा भाई, किधर जा रहा है? क्या बात है, बड़ी ड्यूटी दिखा रहा है आज, और तेरा इंस्पेक्टर तो निकल गया। चल तो भी निकल, चल। ओले, यहां तो अपना ही आदमी बैठा हुआ है, आधा काम तो हो गया। चल हट रहे। और बता मेरे यार, इलेक्शन कैसा चल रहा है? अभी तक तो ठीक चल रहा था जी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? पर अरे बैठ जा यार। ये लो जी। अरे क्या नाम है भाई तेरा? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह।
अरे भाई तू तो दो साल पहले ही मर चुका है। मर गया जी? अब भाई इस लिस्ट में तो यही लिखा हुआ है, दो साल पहले। अरे जनाब क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी आत्मा की बात कर रहे हैं जी, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना आपको सचमुच में मार ही देंगे। मेरी आत्मा अभी मरी नहीं, मुझे वोट डालने का पूरा हक है और आज मैं वोट डाल के जाऊंगा। तो निकलता या डलवाऊं तेरी वोट? ओ भाई जी रुको, मैं दिलाता हूँ इसे वोट। ये क्या जबरदस्ती आप लोगों की? चल चल इसे रफा दफा कर जल्दी, यहाँ जल्दी जल्दी काम निपटाओ, फटाफट वोट डालो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी डालो वोट। सर जी आप इलेक्शन क्यों बंद करवा रहे हो जी? अरे तुझे पता ही नहीं लगा अभी तक? स्याही खत्म, इलेक्शन खत्म। हेलो, नमस्ते मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मंत्री बलवंत राय का पीए जी। नमस्ते जी। हाँ, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है। अगर आप पर्ची आज ही दे दो तो काम जल्दी हो सकता है। और बात सुनो, वो गांव वालों की अर्जी की कॉपी भी ले आना। जी ठीक है। अच्छा जी, भाभी इसकी चाबी कहाँ है? चाबी तो वो साथ ले गए हैं और उनकी ड्यूटी लगी है आज इलेक्शन में। ओहो, ओए क्या बात हो गई भाई, इलेक्शन क्यों रोक दिया, लोगों को वोट क्यों नहीं डालने दे रहे हो? हैं? अच्छा तो ये तेरा काम है, इलेक्शन क्यों रोक दिया तूने? सियाही खत्म हो गई थी। क्या मजाक कर रहे हो, सियाही खत्म हो गई थी, जो कुछ कर रहे हो ना ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? ए, अपना चुनाव निशान दिखाओ इसे। ए, क्या चुनाव निशान दिखाओ? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं इलेक्शन करवा के ही हटूंगा यहाँ से, मुझे कोई नहीं रोक सकता, बता रहा हूँ। इलेक्शन करवा के हटूंगा। ये क्या हो रहा है भाई, वो भी? अरे आप फिकर मत कीजिए, आइए आइए। क्या फिकर, साइड में चलिए, ये सभी होने दूंगा मैं। मैडम। इंस्पेक्टर साहब, मनोज तिवारी जी से मिलना था। मनोज तिवारी? कौन मनोज तिवारी जी? उनकी यहाँ ड्यूटी लगी है। इलेक्शन में ड्यूटी लगी है? ओए आने दे उस लड़की को। जाइए मैडम। अमृत तू यहाँ क्या करने आई है? मिनिस्टर साहब के पीए का फोन आया था, पानी बोर्ड से चिट्ठी आ गई है और मिनिस्टर साहब से मिलने जाना है। वो फाइल आपकी अलमारी में है और अलमारी पर ताला लगा हुआ है, चाबी चाहिए थी। ठीक है मैं तुझे चाबी देता हूँ, रुक जा एक मिनट। ये पकड़ चाबी और जल्दी से चले जा, यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, जल्दी जा। हाँ। जल्दी से घर चले जा। हाँ कहाँ जा रही है, कहाँ है तेरा हीरो? कौन? वही जिसके साथ तू 24 घंटे घूमती है। वो नहीं आया आज। चल तेरी उम्र भी तो वोट डालने की है ना, तू ही वोट डाल दे। छोड़ मुझे। ओहो तेरा ही बूथ है, चल दोनों मिलके इकट्ठे वोट डाल। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़। ओए गुस्सा क्यों हो रही है? अरे भाई छोड़ दो भाई जी, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, छोड़। भाई छोड़ दो इस लड़की को, आज गड़बड़ मत करो, जाने दो इसे। अच्छा अरे अरे यार क्या करें? सुनो, इसी हाथ को पकड़ा था उस सरदार ने, आज यही हाथ उसके अंदर घुसा दूंगा। तेरी सूरत पे तो कोई भी मोहित हो जाए, कोई भी। छोड़ मुझे। अरे पकड़ो उसे। रुक जाओ। Hey!
बार बाहर आ, फिर तुझे मजा चखाता हूं तो तुझे टहरिया लेकर चलूंगा तेरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे दस्तखत तो नकली ले सकते हैं, पर मेरे अंगूठे के निशान नकली नहीं ले सकते, इसलिए मैंने अंगूठा लगाया है। मेरा नाम अवतार सिंह, सुपुत्र जोगिंदर सिंह खू वाले, गांव टहरिया, तहसील रामपुरा, जिला भटिंडा, पंजाब। मैं रिपोर्ट लिखवाता हूँ कि इन लोगों ने जाली वोट डाले हैं, एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की और अब बम फेंका। और भी जितनी दफा लगा सकते हो लगा लेना। आप जिस जगह बुलाओगे, जिस कोर्ट में बुलाओगे और जिस दिन भी बुलाओगे, मैं गवाही देने आ जाऊंगा। और अगर तुम मर्द हो तो इनके खिलाफ एक्शन लो और इनको उठा के अंदर डाल दो, नहीं तो सलवारें तो मेरे पास भी बहुत है लोगों को अंदर डलवाने के लिए, जो तुम बार बार बोलते रहते हो।
ओए रुक जाओ, जब 15 लोग इसे मार नहीं सके, इसके साथ लड़ नहीं सके, तो इसकी पीठ पर वार करना ठीक नहीं है। जाने दे इसे। Can you tell me कि तुमने उन तीनों को अरेस्ट क्यों किया है? और मुझे पता चला है कि तुमने उन्हें जानवरों की तरह मारा है। सर, मैंने उन तीनों को ऐसे अरेस्ट नहीं किया है। उन तीनों ने इलेक्शन में जबरदस्ती जाली वोटिंग करवाई है और पब्लिक में एक बम विस्फोट भी करवाया है। उस बम विस्फोट में 3 बंदों की जाने भी गई है सर, और मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तभी मैंने उन्हें अरेस्ट किया है सर। जिस बंदे ने कंप्लेंट की थी उसी ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, छोड़ दो उन्हें। सर, मुझे पूरा भरोसा है कि वो बंदा अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता है सर, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अरे DIG साहब सही कह रहे हैं, और तू उनके सामने जुबान क्यों चला रहा है? अगर ये कह रहे हैं कि छोड़ दो तो छोड़ दो उन्हें। छोड़ दो उन्हें। ओके सर, लेकिन अगर वो बंदा जिसने ये कंप्लेंट की थी मेरे सामने आकर कहेगा तो ही मैं छोड़ूंगा सर। DIG साहब, वो इसके होते यहां नहीं आएगा, क्योंकि वो इससे बहुत डरता है। इसने उसे मार मार के इस कंप्लेंट पेपर पर अंगूठा लगवाया। वो लड़का मेरे गांव का है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इसके होते हुए यहाँ नहीं आएगा। सर, इसकी बात का यकीन मत कीजिए। मिस्टर बलबीर, माइंड योर वर्ड्स, और इस बात का भी ध्यान रखा करो कि तुम किससे बात कर रहे हो। उन तीनों को छोड़ दो और जाकर असली मुजरिम को पकड़ो। सर, मुजरिम वही है जिसे मैंने अरेस्ट किया है। आपको पता है मैं कब से इंतजार कर रहा था इस गवाह का। ये क्या हो रहा है DIG साहब? ये आदमी क्यों पागलों की तरह एक ही बात को दोहराया जा रहा है? ओए, पागल किसे बोला? ओए, कैसे बोला पागल? पागल तू किसे बोल रहा है? ए, तू होगा पागल। मैं पागल नहीं हूँ। ए DIG, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। DIG साहब, आपने देखा ना, इस आदमी ने मेरे ऊपर गोली चलाई, वो भी आपकी आंखों के सामने। यू डोंट वरी, मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ओ सच्चे पाशा, मुझे माफ कर देना। मैं इन लोगों को आपके पास भेजने की तैयारी कर रहा हूं, पर आप इन्हें किसी भी रूप में दोबारा धरती पर मत भेजना, क्योंकि ये इस पवित्र धरती पर रहने लायक नहीं है। रुक जाओ। तुझे पता नहीं है कि तू किस पे हाथ उठा रहा है। मैं सिर्फ हाथ ही नहीं, लातों से भी बात करता हूं। देखो, मेरे भाई को इज्जत से छोड़ दे। इज्जत? तू चाहता है कि मैं इन्हें इज्जत के साथ छोड़ दूं? बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे भी इनके साथ पकड़ के अंदर बंद कर दूं। ये देख, ये कोई मामूली खून के अंगूठे का निशान नहीं है, इसमें तेरे भाइयों की मौत का वारंट है। ये मेरे पास आई विटनेस है जिसने खुद बताया कि तेरे भाइयों ने जबरदस्ती इलेक्शन में जाली वोटिंग की, बम फेंका, 3 लोगों की मौत हुई, एक लड़की का रेप तक करने की कोशिश की गई। जब मैं ये पेपर कोर्ट में सबमिट करूंगा ना, तो ये जिंदगी भर सलाखे गिनते रहेंगे। पर अगर इसमें मेरा भी नाम डाल दिया ना, तो तेरा पॉलिटिकल राज एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो तू भी सलाखे गिनता रहेगा और साथ ही पिटेगा भी। ओए, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? ओए, तुझे नहीं दिखता कि तू पंजाब पुलिस के साथ बात कर रहा है? ओए, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाइयों को मारा तूने। ओए, ले जाओ इसे, ओए ले जाओ, नहीं तो इसको भी पड़ेगी। बोलो इंद्र मोहन। भाई साहब, वो पागल इंस्पेक्टर बलवीर है ना, मेरे भाइयों को बहुत मार रहा है थाने में। क्यों? उसने कहा किसी बंदे ने कंप्लेन की है उनके अगेंस्ट। उसने कहा मेरा भी नाम लिखेगा उनके साथ, मेरी इलेक्शन कैंसिल करवाने के लिए बोल रहा है। अगर तुमने पुलिस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना, तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेगा, इसलिए वहां से निकल जाओ। वो भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, वो मेरे भाइयों को मार रहा है यहाँ पर। कभी तो समझा कर इंद्र मोहन,
कितने लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट की? एक बंदा भाई साहब, एक बंदा। एक? उठा लो उसे। ओ तिवारी। अजी क्या हो गया जी? अवतार कहाँ है? मुझे नहीं पता। अवतार कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। भाई जी, वो बड़े भाई साहब से मिलने गया है। बड़े भाई साहब से? बस 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 बेटा बस। कहाँ चला, कहाँ चला, कहाँ चला तू? मजा आ गया जी। इन्हें क्या हो गया? पागल हो गए हैं। हैरान होने वाली कोई बात नहीं है जी, दरअसल बात यह है कि कुछ बात ही नहीं है। बैठो 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 जी, बैठो बैठो भाई। लो भाई, कुछ खबरी है यार। भाई पानी के महकमे से रिपोर्ट आ गई है। मेरी तो हंसते हंसते आंखों में पानी आ गया। और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि फैक्ट्री की वजह से पानी गंदा हो रहा है, समझ गए तुम? बस एक बार मंत्री जी अगर रिपोर्ट देख लेना, बहुत बिजी थे अभी तक देख नहीं सके हैं, और साइन कर दें। फिर क्या है, मैं सारी फाइल भेज दूंगा इंडस्ट्री मिनिस्टर को, वहां से ऑर्डर पास होकर आया तो फैक्ट्री बंद। यार ये बंदा पता नहीं कैसे इतना हंस लेता है, मुझे तो हंसी नहीं आती है। सारा खानदान ही पागल है। हाँ इंद्रमोहन, वो जिस बंदे ने कंप्लेन की थी वो आपके ऑफिस में ही आया हुआ है। मेरे ऑफिस में आया हुआ है? हाँ हाँ, आपके ऑफिस में है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हेलो 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 हेलो। ओए सोनू फोन दे अपना यार। भाई जी फोन की बैटरी डाउन है। यार तुम भी बिल्कुल मौके पर ही ना। सजी, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अवतार आया है। कौन सा अवतार? वो अवतार सिंह जो पानी की प्रॉब्लम लेके आया था। तो वो दोबारा आया है जी, एप्लीकेशन पे साइन चाहिए। तू किसकी बात कर रहा है? कौन सा अवतार, कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा एरिया? सर वो जो पानी की प्रॉब्लम वाली फाइल थी ना, उसे मैंने आगे बढ़ा दी थी, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से साइन होके आ गई है, बस आपकी साइन चाहिए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसने ऑर्डर दिया था तुझे एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करने के लिए? तुझे पता है कि एक आदमी की कंप्लेंट की वजह से पूरी पोलिंग बूथ की काउंटिंग कैंसिल हो सकती है, बेवकूफ। अरे मैंने इंद्रमोहन बब्बर के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, अगर वो पैसा फंस गया तो तू निकलवाएगा? अरे मैं मिनिस्टर होके बब्बर के आदमियों को बाहर नहीं निकलवा सकता, और तू गांव की प्रॉब्लम लेकर रोया जा रहा है। जा दफा हो जा। अगली बार मैं भी नॉमिनेशन भरूंगा, इसके सामने इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया ना तो इसे पीए तो क्या, इसे चपरासी भी नहीं रखूंगा। अरे जाओ यार जाओ, आज नहीं हो सकता तुम्हारा काम। केस तुम लोगों का, डांट मुझे पड़ गई। क्यों भाई साहब, क्या बात हो गई? अरे भाई मंत्री जी किसी बात की टेंशन में है, मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारा काम हो सकता है। सर जी आज ही करवा दीजिए ना, हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। करवा दो जी, मेहरबानी होगी आपकी। अरे यार तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, मंत्री जी को कौन समझाए हैं? हमारे हाथ में बस इतना ही होता है जी। चलो हाँ जी। हेलो मीना, तुम अपने माँ बाप की चिंता बिल्कुल मत करो। देखो मीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मेरे घर वाले भी तुम्हारे साथ हैं, और अगर वो लोग नहीं माने तो हम लोग वहाँ से भाग जाएंगे। ए, चल भाई भाग यहाँ से, बड़ा आया आशिक। अरे भाई साहब वो बंदा आपके ऑफिस में आया हुआ है। मेरी ऑफिस में आया? हाँ जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अवतार सिंह। अवतार सिंह? हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर। वो लड़का अवतार सिंह जो अभी आया था कहाँ गया? वो तो चला गया जी। चला गया? अभी वो गेट तक ही पहुंचा होगा जी। जा जल्दी बुला के ला उसे। हाँ जी सर। नेता जी तो चैन से रोटी भी नहीं खाने देते। अरे कहाँ जा रहा है? अरे अवतार रुक जा भाई, रुक जा, मंत्री जी बुला रहे हैं। क्या हुआ? अरे शुक्र है भगवान का कि तुम यही हो, गए नहीं अभी तक। मुझे लगता है अच्छा टाइम आ गया है। आ जाओ आ जाओ। मैं आया जी आया।
तुम दोनों रहने दो, तुम चलो तिवारी के पास। मैंने उसे बोल दिया था ट्रेन की टिकट लेने के लिए, तुम जाओ उसे टिकट ले लो और गांव वापस जाने की तैयारी करो। आज हम रात को ही निकल जाएंगे ट्रेन से। शुक्र है भगवान का, मुझे पता था काम हो जाएगा, मंत्री साहब गाँव के हैं। तुम चलो, मैं मिल जाऊंगा भाई। चलो चलो जल्दी कर भाई, और भी लोग हैं। जी मंत्री जी नमस्ते। आओ आओ आओ। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। खड़े क्यों, बैठो ना। नहीं मैं ठीक हूं बस ऐसे ही। अरे बैठो भाई बैठो। अरे बैठ जाओ। क्या पियोगे? नहीं सर किसी चीज की जरूरत नहीं है। लो पानी पी लो। नहीं मैं ठीक हूं, कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई पानी तो पी लो, शर्मा क्यों रहे हो। ये लो पी लो। हमारा तो सारा गांव ये साफ पानी पीने के लिए तरस रहा है सर। अब बताओ क्या परेशानी है। परेशानी तो सर हमारे गांव के खराब पानी की है सर। अगर आप इस फाइल पर साइन कर देते तो परेशानी दूर हो जाती सर। उस इलेक्शन बूथ पर क्या हुआ था? अच्छा अच्छा वो पुलिंग बूथ वाला, मैं चाहता था कि मैं आपको आकर बताऊं मंत्री जी। वो मेरे साथ एक हमारे गांव की लड़की आई हुई है, उसका नाम है अमृत। वो पुलिंग बूथ पर गई थी चाबी लेने, तो वहां कुछ बदमाशों ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की। मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ मंत्री जी, फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। पर भाई तुम्हें उन बदमाशों से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी मैं उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहता था, मैंने बहुत बार बर्दाश्त किया उन्हें। उन्होंने अपने भाई इंद्रमोहन बब्बर के लिए कितनी जाली वोट डलवाई जबरदस्ती, 3 बेकसूर लोगों को बम फेंक कर मार दिया सर। फिर मैंने सभी को मार मार के काले पीले करके पुलिस के हवाले कर दिया। आपको भी इन बदमाशों का कुछ करना चाहिए मंत्री जी। इससे पहले कि मैं कुछ करूं तुम्हें एक काम जरूर करना पड़ेगा। मंत्री जी आप हुक्म करो, क्या काम है? तुम वो कंप्लेन वापस ले लो जो तुमने उनके अगेंस्ट की है। तुम एक अंगूठा और लगा दो। मंत्री जी क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूं तुम वो कंप्लेन वापस ले लो। मंत्री जी मुझे यकीन नहीं आ रहा है आप ये कैसी बातें कर रहे हो। वो कमीने बदमाश खुले आम बदमाशी करते हैं। नहीं आ रहा मैं तुझे क्या कह रहा हूं? तुझे मैं कह रहा हूं अंगूठा लगा दे तो अंगूठा लगा दे। लगा अंगूठा। मंत्री जी ये तो सारे वही बदमाश हैं। मैं तुझे इनके लिए ही बोल रहा हूं, तू कंप्लेंट वापस ले ले। पर मंत्री जी हम कितनी उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास और आप हो कि इन बदमाशों की तरफदारी कर रहे हो। ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। पर तू कौन है ये बात पूछने वाला? पर मंत्री जी हमने आपको वोट दिया था, इलेक्शन में जिताया, अपना भाई समझा आपको मंत्री जी। वोट भाई? अरे तेरी एक वोट की जरूरत हमें 5 सालों में एक बार पड़ती है। पर राजनीति के इस खेल को चलाने के लिए मुझे इन लोगों की जरूरत तो हर रोज पड़ती है। लोगों के घर खाली करवाने से लेकर लोगों को मारने तक ये मेरे काम आते हैं। जब मैं तकलीफ में होता हूं ना तो ये मेरे लिए बाजार बंद करवाते हैं, बसों को आग लगाते हैं। तू करेगा ये काम? मंत्री जी कैसी बातें कर रहे हो आप? गांव के सारे लोग आपसे अच्छे कामों की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लोगों का काम नहीं करूंगा तो लोग मुझे वोट नहीं देंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे? तुझे पता है भाई कि पंजाब में कितनी सीटें हैं? 13। अगर अगली बार मुझे लगा कि मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगा तो मैं कहीं और से खड़ा हो जाऊंगा, पर मैं जीतूंगा जरूर। वोट तो हमने डलवानी ही है। हाँ क्यों बब्बू? जी सर। पिछली बार तूने अकेले कितनी वोट डाली थी? 1700। 1700 अकेला आदमी? पर ये बातें मैं तुझसे क्यों कर रहा हूं?
अंगूठा लगा रहा या नहीं? नहीं? नमस्ते। जीते रहो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार वोट मुझे ही देंगे। जी हाँ। और इस असेंबली इलेक्शन में अपने इलाके से ही मुझे जिताएंगे। जी हाँ। ये वोट तो आपको बिना मांगे ही डालनी पड़ेगी जी। आप फिक्र मत कीजिए सर, हमारा तो पूरा परिवार आपको वोट देगा। ठीक है जी। अवतार, तूने हमें पंचायत में क्या क्या नहीं कहा, चल देखते अब तू क्या करके आता है। यही थी ना तेरी फाइल, भवन में गए तेरे सारे गांव वाले। उस फैक्ट्री से मेरी इतनी कमाई है कि जिसके सामने गांव वालों की जान की कोई कीमत नहीं। अंगूठा लगवाओ इससे। अरे अंगूठा लगवाओ। तुझे मेरी शख्सियत, मेरी ताकत, मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना, इससे अंगूठे का निशान लगवा के मार के फेंक दो। हट। ये क्या हुआ आपको? इंद्रमोहन बब्बर के बंदे आए थे, अवतार के बारे में पूछ रहे थे, इन्होंने नहीं बताया, उन्होंने इन्हें बहुत मारा, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने बता दिया कि अवतार मंत्री साहब की कोठी पर गया हुआ है। मुझे डर लग रहा है कि बब्बर के बंदे अवतार को ढूंढ ना ले। चली चली। मुझे बहुत धोया, मुझे बहुत मारा, मेरे साथ की मुक्का मारी, बोलो क्या करे तिवारी। बस भाई बस, यही रोक दे भाई, पैसे दे रहा हूँ, एक मिनट है। अमृत तू? अवतार कहाँ है? मुझे लगता है इंद्रमोहन बब्बर के बंदे उसे गाड़ी में डाल के पता नहीं कहाँ ले गए, और मुझे ये भी लग रहा है कि अवतार होश में नहीं था। चलो चलो निकालो इसे, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो निकालो। पैर बचा के जल्दी करते हैं, जल्दी से यहां से आ जा। अरे अरे नहीं, क्या हो गया इसे? पता नहीं जी, बंद हो गया है। हैं? इसे भी यही खराब होना था यार, हम लोग अपने बंदे को ढूंढ रहे हैं, तू भी कमाल करता है यार, कोई और ऑटो मिलेगा क्या यहाँ पे? मुझे लगता नहीं यहाँ तो नहीं मिलेगा। देखो ना भैया क्या हुआ है। देख भाई जल्दी ठीक करना। हो गया, हो गया, आ गया, चलो भाई। अरे जल्दी कर भाई, चल। हाँ जी। Let's go.
रुको रुको रुको, एक मिनट। अवतार, अवतार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? बस जी, यहीं रुक दो जी। ये लो जी पैसे। चल भाई जल्दी चलते हैं। अब आइए। अवतार, अवतार क्या हुआ तुझे? हैं? अरे यार तू ठीक तो है ना? प्लीज अवतार ठीक है, ये तो WWF है, इसे कुछ नहीं हो सकता। चलिए हम बाहर बैठते हैं, इसे आराम करने देते हैं। चलिए। अवतार, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। अवतार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज से ही नहीं, बचपन से। जब तुम हमारे गांव में आते थे स्कूल पढ़ने, तब से मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें हमेशा। ये हो सकता है ना? हो सकता है ना? हाँ अवतार, हम साथ रह सकते हैं ना? इंद्रमोहन बब्बर की जीत। ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप यहां से गांव चलो, गांव वालों को मैं समझा दूंगा, ठीक है ना? नहीं भाई नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, मुझे अभी यहाँ पे बहुत से काम करने हैं। ओ भाई, वो आदमी बहुत पावरफुल है और हम हैं मामूली, मामूली समझता है ना, गाजर मूली, काट के रख देगा हम जैसे लोगों को, वो ऐसे नहीं लड़ सकते उससे। क्यों नहीं लड़ सकते? वो आसमान से उतरे हैं, इन्हें बड़े राजनेता आम लोग बनाते हैं, तेरे मेरे जैसे। और साथ ही वो जिस पोजीशन पर मजे कर रहा है ना, वो हमने ही दिलाई है उसे। ये बात हम लोग याद रखते हैं, वो लोग नहीं याद रखते। भूल गया हो भले, मैं याद करवाऊंगा उसे। अरे यार एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। आप तो अपना आइडिया ना ही सुना, मुझे ना सब पता है। आप एक बार सुन तो लीजिए, क्या आइडिया क्या है। ये लड़की मुझे समझदार लगती है। ये बताओ भाई, उन्होंने तुझे मारा क्यों? लो कर लो बात, तुझे नहीं पता कि क्यों मारा? सारी रामायण सुन के अब कहता है कि सीता का बाप कौन था। वाह भाई वाह। बात ये नहीं है, जो खेल उन्होंने हमारे साथ खेला है ना, वही खेल अब हम उनके साथ खेलेंगे। वो कैसे? उन्होंने एक कागज के ऊपर तेरा अंगूठा लगवाकर अपने बंदे छुड़वा लिए। हाँ। अब हम उसकी तरफ से एक नकली कागज पर उसके असली साइन करवाएंगे और उसे करप्शन के केस में फंसाएंगे हम। वो तो कमीने सच में ही करप्ट हैं, चोर हैं सबके सब, बहुत पैसा आता है उन्हें फैक्ट्री से, बता रहा था मुझे वो। आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, पर उसके लिए हमें लेटर हेड की जरूरत होगी, पर वो हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास कैसे होगा? मेरे पास है ना वो। कहाँ है? उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है पहले ही, उसके दफ्तर से मैंने दो लेटर पैड खिसका लिए थे जी। मैंने सोचा था इसके ऊपर गांव वालों का हिसाब लिखेंगे, लेकिन ये थोड़े ही पता था जी कि उसके ही लेटर पैड पर उसका ही हिसाब किताब करेंगे। That's a very good idea. अच्छा लगा जी आपको? तो जो चीज अच्छी लगती है बाद में फिर ऐसे भी करते हैं ना? इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आज की खास खबरें, सीएम साहब ने पंजाब के मिनिस्टर श्री बलवंत राय जी को उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया और ये सम्मान पंजाब में पहली बार किसी को मिल रहा है। यू हैव बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर इन द इंडिया। थैंक यू सर। हमें बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान मिला है। बलवंत राय जिंदाबाद, बलवंत राय जिंदाबाद, बलवंत राय जिंदाबाद। एक लेटर पूरे मीडिया को भेज दो, उन्हें बोल दो कि सारी कवरेज मेरे बारे में ही होनी चाहिए। हाँ ठीक है सर। बहुत बहुत बधाई सीएम साहब, अपोजिशन पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लाइन लगाकर मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा है, वो सभी अपनी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ जी सर। नमस्ते सर।
सर मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, अपनी पार्टी वाले सारे वर्कर्स तैयार हैं। चलो भाई। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। नमस्ते। बस 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 अवतार को मरवा दिया था। कैसी बात कर रहे हैं सर, आदमी मौत से बच सकता है, इंद्रमोहन बब्बर से नहीं बच सकता है सर। तो बार बार मुझे अवतार क्यों दिखाई दे रहा है? अवतार? सर मुझे लगता है आपने कल रात कुछ ज्यादा पी ली थी। अभी तक बदबू आ रही है आपके मुंह से। वो कहते हैं ना अंग्रेजी पीने पे तो सब कुछ पिछला दिखाई देने लग जाता है। सर मैं तो कह रहा हूँ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, नहीं तो ये सारे लोग अपनी अपनी पार्टी में वापस चले जाएंगे। अरे आराम से यार, मैं तो मंत्री जी के लिए शॉल लेकर आया हूँ इन्हें सम्मान देने के लिए। क्या डर गया? अवतार ने नया अवतार लिया है तुझे मारने के लिए। अब देखना तेरा एक वोटर तेरा क्या से क्या हाल करता है। तुझे बहुत गुरूर है ना अपनी शख्सियत, अपनी ताकत और अपनी हैसियत पर। अब अवतार तेरी शख्सियत, जो बोले सोनियाल, तेरी ये ताकत, जो बोले सोनियाल, साथ ही तेरी हैसियत, मिट्टी में मिलाकर जाऊंगा। जो बोले सोनियाल, जो बोले सोनियाल, जो बोले सोनियाल। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए प्लीज। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स अटेंड की हैं। थैंक यू सो मच सर। भाई साहब क्या बात हो गई, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। आज तेरे उस बाप ने मुझे शॉल दी। शॉल? किसने? अवतार ने, तेरे बाप ने। कमीना जिंदा है अभी तक? ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब, हम उसे खुद रेलवे लाइन पर फेंक कर आए थे। उसे जान से मारा था या उसका इलाज करवाया था? हाँ वाह, जिसको राखे साईया मार सके ना कोई। अब उसे उसका कोई साई सुई नहीं बचा सकता जी, मारो उसको ढूंढ के। नमस्ते चड्डा साहब, आपके भेजे हुए पैसे मुझे मिल गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितना मर्जी केमिकल का जहर नदी में डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने अपना वादा पूरा करके दिखाया और मैंने जो कुछ आपसे कहा वो सब पूरा कर दिया। मैं आपके साथ दीवार बनकर खड़ा हूँ, ये आपकी फैक्ट्री उसी तरह चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। फिर चाहे गांव वाले कुछ भी करें, धरने पर बैठें या पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आपके खिलाफ हो, मैं तो आपका ही साथ दूंगा। गांव वालों की जिंदगी की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। पॉल्यूशन बोर्ड की सारी रिपोर्ट हम आपके हक में बदल देंगे। हमें मिलकर लंबी दौड़ दौड़नी है, पैसा पैसा होता है, इस तरह की और फैक्ट्री लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाभी जी को नमस्कार, बच्चों को मेरा प्यार, बलवंत राय। कमाल है, ऐसी चिट्ठी भेजी है छापने के लिए। कौन है भाई? हेलो। हाँ जी, मैं जगबाणी अखबार का एडिटर संधू बोल रहा हूँ जी। बोलो एडिटर साहब। अजी आपने एक चिट्ठी भेजी है छापने के लिए, तो छाप दूँ? लो तो और क्या, उसके ऊपर समोसा रख के खाने के लिए भेजी है? छापने के लिए ही भेजी है जी, छापो। नहीं पर जो चिट्ठी में लिखा है उसे आपने ध्यान से पढ़ा है? मेरी बात सुन, तुझे सीधी तरह छापनी है तो छापनी, तो दूसरे अखबार को भेज दूंगा, फिर देखते रहना मेरा मुंह। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है जी, हम छापेंगे, मंत्री की फोटो भी साथ में छाप दें। हाँ
ये हुई ना बात, खुश कर दो मंत्री साहब को। ओके उस जगबाणी वाले को फोन लगा। हाँ सर, एक मिनट सर। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ सीबीआई। अच्छा जी किसका फोन था सर? वो दिल्ली से फोन था। अब आपका अवार्ड कैंसिल कर दिया उन्होंने और सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया, कुछ करप्शन की बात कर रहे थे। अरे जगबाणी वाले को फोन लगा जल्दी। हेलो, मैं जगबाणी अखबार का एडिटर संधू बोल रहा हूँ जी। ओए, वो खबर किससे पूछकर छापी तूने? कौन सी खबर जी, कौन बोल रहा है? मैं तेरा बाप बलवंत राय बोल रहा हूँ। पूछता है कौन बोल रहा है? मंत्री जी, वो तो आपके पीए से बात हो गई थी। उन्होंने कहा था चिट्ठी छापने के लिए। मैंने उनसे कहा कि ये चिट्ठी ठीक नहीं लग रही है, पर वो बोले कि अगर आप नहीं छापोगे तो हम किसी और अखबार में भेज देंगे। उसने क्या कहा सर? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है तेरा? अवतार बात कर रहा हूँ। ज्यादा ही रुतबे शख्सियत की बातें कर रहा था ना, सब कुछ चकनाचूर हो गया। पूरे पंजाब में फैल गई है बदबू तेरे शख्सियत की। अगर हिम्मत है ना तो मेरे सामने आकर बात कर। सामने भी आ जाऊंगा। तू तो बोल रहा था कि एक वोटर क्या कर सकता है, पर लगा दिया ना ठिकाने, मार दिया ना। क्या कहा सर? ये कहा रुक। यही वो लड़की है जिसने मेरा ऑटोग्राफ लिया था। अगर ये मिल गई ना तो वो कमीना भी काबू में आ जाएगा। जसी, ओए, तुमने बुलाया था मुझे? चलो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैडम, आपको डायरेक्टर साहब ने ऊपर बुलाया है। ओके, अवतार तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। ओ तेरी, चलो सीढ़ियों से ही चलते हैं। भागती कहाँ है? आजा आजा आजा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जैसी ठीक तो हो जाएगी ना? 48 घंटों तक हम कुछ नहीं कह सकते, बचने के चांसेस बहुत कम है। बस आप भगवान से दुआ करो। क्या हाल है मेरे पंजाब के शेर? मैं तो ठीक हूं, पर आप? तू तो ठीक है, पर मेरी तरफ देख, तुझे मैं पागल नहीं लगता?
ये कहते हैं कि मैं पागल हूं, सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं पागल हूं, पर मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने मेरे परिवार वालों को भी यकीन दिला दिया है कि मैं पागल हूं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे सभी मुझे पागल समझते हैं। बहुत कोशिश की मैंने कि उनके चंगुल से मैं निकल जाऊं, पर निकल नहीं पाया, नहीं तो मैं उनकी बैंड बजा देता। अभी भी बजाना चाहते हो उनका बैंड? हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते गुलजार, तेरा बैच ठीक नहीं है, ठीक कर ले। क्या हाल है दर्शन? ठीक हूँ सर जी। सब ठीक तो है ना? ड्यूटी कब ज्वाइन की सर जी आपने? अभी की है, अवतार ने लगाया है ड्यूटी। अच्छा अच्छा। मारना मत, गोली मत मारना। ये कौन है? अरे ये क्या है? अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ? ओए गोली मत मार मेरे भाई को, रुक जा, ए रुक जा पागल, ए गोली मत मार, मेरे भाई को मार दिया। पकड़ो बलवंत भाई जी, आपका ऑर्डर पास कर दिया। अरे तीनों मार दिए। अरे अब मैंने तो मैंने भाइयों को ऑर्डर तूने दिया मारने का, ओए तूने मेरे भाइयों को मरवा दिया। अरे नहीं भाई, तुझे नहीं छोडूंगा। उनका रंग लाल है, उनका रंग लाल है, उनका रंग लाल है, उनका रंग लाल है, लाल है। चलो चलो पियाजी साहब, उस बलबीर सिंह को अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए उसे, पागल हो गया है वो, तीन आदमियों को मार दिया उसने। लेकिन हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पागल है सर, आपने कोर्ट में कहा था कि वो पागल है सर। पागल? ए हटो हटो, चल। रुक जाओ मंत्री जी, हमारे गांव वाले भी बहुत प्यासे हैं साफ पानी पीने के लिए, पर शायद आपको इस बात की परवाह ही नहीं है। ए गाड़ी रोक। गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। क्या हुआ, आज तेरे ही आदमियों ने तेरी गर्दन पकड़ ली? और तुझे पता है उसके हाथ में मैंने ही पकड़ाई थी तेरी गर्दन। तेरी तो जुबान संभाल, अपनी जुबान संभाल। इंस्पेक्टर बलबीर को भी मैंने ही भेजा था, तेरी शख्सियत तो पहले ही खत्म हो चुकी है, अब तेरे ये डोले मतलब तेरी ताकत ये भी खत्म, अब सिर्फ तेरी हैसियत रह गई है, वो भी मैंने आज उतारी थी वैसे भी। अब बच सकता है तो बच रहे, गाड़ी रोक बे। इसका तो पंक्चर हो गया, इसे किसी साइकिल वाली दुकान पर ले जाकर इसका पंक्चर करवा। ये क्या है, क्या है ये सब, बताओ क्या है ये सब? सर जी कुछ भी नहीं जी। मुझे सब पता है, इंद्रमोहन बब्बर ने हमारे पार्टी के कैंडिडेट सतनाम सिंह को मरवा के ये इलेक्शन जीत लिया है, वो भी इंडिपेंडेंट टिकट पर, और उसके बाद तू उसकी भाई की शादी पे शराब पी रहा है, नाच रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। पार्टी के मेंबर्स ने तो उसी दिन मुझे कह दिया था कि तुझे पार्टी से सस्पेंड कर दो, जिस दिन तेरे ऊपर करप्शन के केस की इंक्वायरी बैठी थी। कल मैं जनरल बॉडी मीटिंग बुला रहा हूं, इस केस में हमें कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और मुझे यह भी पक्का पता है कि वो डिसीजन हमारे हक में कभी नहीं हो सकता। शायद कल ये तुम्हारी आखिरी जनरल बॉडी मीटिंग होगी। सर मैंने सुना है कल की मीटिंग में आप चीफ गेस्ट हैं।
गुस्सा करने से क्या होगा सर, उस गौटी ने तो आपकी पैंटी उतार दी जी। मुझे थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा सर। प्रेस की मीटिंग बुलाइए और पब्लिक को बताइए वो लेटर नकली था। बेवकूफ जैसी बातें मत कर, वो लेटर नकली था पर मेरे साइन असली थे। अरे अब तो सीबीआई वालों ने फैक्ट्री के केमिकल वाले पानी से अपना मुंह भी धो लिया होगा। पर अब क्या करेंगे सर, ओह उस अवतार ने तो हमारे ये कहावत बहुत पुरानी है पर कहा किसी ने एकदम सच है। भाई जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना, हम वहां के प्रिंसिपल हैं और हमारे होते हुए तू पास हो जाए ये हम होने नहीं देंगे। मैं 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी शख्सियत, अपनी ताकत और अपना रुतबा हासिल करके ही रहूंगा। क्या कर रहा है ये? अब इसका खेल खत्म हो चुका है। इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी इसे नहीं मिलेंगे और इसने खिलाड़ी के बिना अगर खेल खेला तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सत श्री अकाल जी। सर अचानक आपने गन्ने के दाम को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। अचानक नहीं, गन्ने की कम कीमत को लेकर किसानों के दर्द का एहसास कब से मेरे दिल को हो रहा था। पर मैं वो लीडर नहीं जो चुपचाप बैठकर देखता रहे। ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार की आंखें और कान ना खुल जाए। भूख हड़ताल चीनी की कीमत गन्ने से जुड़ी है, इसका क्या मतलब है? बहुत ही वाहियात सवाल है। चीनी किससे बनती है? सर गन्ने से। तो फिर चीनी की कीमत गन्ने से ज्यादा क्यों है? अगर चीनी सरकार की है तो गन्ना किसान का है। अगर किसान गन्ना नहीं बोएगा तो सरकार तो चीनी बना ही नहीं सकती, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। तो फिर किसान को गन्ने की कीमत चीनी से कम क्यों मिलती है? इस बारे में मैं सरकार की आंखें खोलना चाहता हूँ। इसके लिए भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वैसे मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ना कोई लीडर शर्म से मरा है और ना ही कोई भूख हड़ताल से मरा है। पर ये जरूर मरेगा। समझ गए सर। हेलो मंत्री साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को खादी कपड़े पहनाकर आपकी सपोर्ट के लिए भेज दिया है। इस काम में मेरा पैसा वैसे बहुत लग रहा है। भाई गुरुद्वारे की सेवा के लिए पैसे नहीं देखे जाते। पर सर आप अकेले इस लड़ाई में, आपके और साथी नहीं आएंगे? अगर पंजाब के किसी भी राजनेता ने पंजाब की इज्जत की है या जिनके भी जिस्म में पंजाब का खून दौड़ रहा है वो खुद आएंगे इस लड़ाई में। सीएम साहब इसके पीछे तो और खिलाड़ी आ गए, अगर ऐसे ही आते रहे तो ये मैच जीत जाएगा। बहुत तेज है ये बंदा, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा नहीं तो ये बहुत माइलेज ले जाएगा। इसकी भूख हड़ताल को खत्म करना होगा। जूस का इंतजाम कर भाई। बलवंत राय के घर आपके हस्बैंड की कोई औकात नहीं है जी। सॉरी जी, लगता है गलत बोल गया, वो तो वहाँ नौकरों से भी बदतर है जी। बलवंत राय को ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई साहब के साथ। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो तो बहुत ही बुरा इंसान है और ये बहुत ही ज्यादा भोले हैं। भैया आप एक काम करो, मैं उन्हें फोन करती हूँ, आप मेरे सिर पर गन रख लो, थोड़ी सी गन वाली फीलिंग आ जाए। लो जी गन रख लेते हैं, इसमें कौन सी बात है जी। एक मिनट, दुनाली बना लेता हूँ जी। ये लो जी बन गई दुनाली। सुना है कुछ काम करवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है जी। सर सीएम साहब अपने ऑफिस से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। एक्सक्यूज मी।
हेलो, हाँ बोल। ए जी, मेरे सिर पर ना अवतार के बंदों ने गर रखी हुई है। क्या कह रहे हैं? अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जान से मार देंगे। पर वो चाहते क्या है, मैं क्या करूं? आप पीछे मुड़कर देखो, कहते आपके पीछे अवतार खड़ा है। हाँ भाई, आजा, हो गई बीवी से बात? हाँ बात तो हो गई, पर तू चाहता क्या है? तू देखता जा तमाशा। जूस कहाँ है? जूस? हाँ भाई, आ गया जूस? हाँ साहब, आ गया। और कितने लोगों का जूस है ये? 200 बंदों का साहब। क्या बात कर रहे हो, 350 लोग हैं और 200 लोगों के लिए जूस है? और लेके आओ, जाओ। जी साहब। बिना लिए मत आना। अवतार आजा भाई, जल्दी कर ले यार, जो भी करना है। कैसा है? मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कौन सा जूस पीना है। ये लो, सीएम साहब भी आ गए। बस 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 भाई बस। बलवंत जी, भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। नहीं सर, इट्स नॉट पॉसिबल। ज्यादा होशियार मत बनो, बात पीएम साहब तक पहुंच चुकी है। मैं दिल्ली बात करके ही यहां पर आया हूं। पर सर, आप तो जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने की बात कर रहे थे ना। बलवंत जी, आपने इतना बड़ा खेल खेल के जनरल बॉडी मीटिंग को कैंसिल करवा दिया है, अब खत्म करो ये खेल। भाइयों, दिल्ली हाई कमांड ने हमें यह भरोसा दिया है कि हम किसानों की इस तकलीफ का जल्द से जल्द कोई हल ढूंढेंगे, और मुझे सीएम साहब के भरोसे पर पूरा यकीन है। इनके भरोसे की वजह से ही मैं ये हड़ताल खत्म करता हूं, और आप सभी भाई लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया है। बलवंत राय जिंदाबाद, बलवंत राय जिंदाबाद, बलवंत राय जिंदाबाद, सीएम साहब 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 जिंदाबाद, ये लीजिए। सर आप भी जूस ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, ले जाइए, पी ले, ग्रेप जूस है। ले लीजिए सर। हैं? अरे ग्रेप का रेप हो चुका है, ले जाइए यहाँ से ग्रेप जूस। सीएम साहब, आप ये जूस मत पीजिए। पर क्यों? सारे भारतवासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम अवतार सिंह, गांव टहरिया, जिला भटिंडा का रहने वाला एक छोटा सा बाशिंदा। मैं अपने गांव वालों की समस्या लेकर अपने साथियों के साथ मंत्री साहब के पास, बलवंत राय जी के पास आया था। मुझे लगा था ये हमारी समस्या का हल करेंगे, पर मैं गलत था। इन्होंने मुझे देश का वो बेनाम वोटर समझकर अनदेखा कर दिया जिन्होंने इन्हें जिताया है। जब मैं बात करता था ना कि मेरे गांव की ये परेशानी है, तो ये कहते थे मेरा गांव मत बोल, अपना गांव बोल, अपना 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 कहते कहते इसने हमें वो जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया जो आज मैंने इसके जूस में मिलाया है। हमारे गांव का पानी, वो जहर जो इनकी फैक्ट्रियों में से निकलता है और हमारे लोगों को पीने के। मंत्री साहब संभल कर, चोट ना लग जाए कहीं। वो जहर हमारे गांव का पानी उन फैक्ट्रियों में से निकलता है जिनसे इन्होंने करोड़ों कमाए, करोड़ों रुपए। एक दिन में ही हमारे गांव का पानी पीकर इसकी ये हालत है। सोचो हमारे गांव के लोगों का क्या हाल होता होगा जो रोज ये पानी पीते हैं। उन्हें कैंसर हो रहा है, उन्हें लकवा मार रहा है, पर फिर भी उन्हें लगता है कि मंत्री साहब हमारी मुसीबत का हल निकाल लेंगे। हाय मेरा बेटा, आज बता रहा है दुनिया को कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। हे भगवान, ये एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सूखे की बात करते हैं, मिनरल वाटर पीने वाले वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं, पानी के कमी की बात। मैंने तो अपने गांव की परेशानी का इन्हें छोटा सा एक्सपीरियंस करवाया है और पूरे देश का ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश की है। आपने गांव की तरफ खींचने की कोशिश की है कि मेरा गांव किस मुसीबत से गुजर रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा का कोई डर नहीं। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा कर। पर हाँ, मुझे अब यह भरोसा जरूर हो गया है कि मेरे गांव को, मेरी समस्या को, जो मेरे गांव की समस्या है, उसका हल जरूर होगा। आप सभी इस तरफ ध्यान जरूर देंगे।
ओए अवतार, सामने पुलिस का नाका लगा हुआ है भाई, तोड़ दे। लो जी तोड़ दिया फिर। मारो 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 मारो, यही है तुम्हारे गुनहगार, पकड़ लो इनको। बताओ इन्हें गांव वालों की क्या कीमत होती है। अरे अरे जल्दी भागो जल्दी। अरे अरे नहीं, अरे अरे कोई बचाओ। अरे बहुत गंदा पानी पिलाया इसने। मारो इनके, मार के जान निकालो इनकी। मारो इसे, मारो। ये क्या तुम मेरा मेरा कह रहे हो? हाँ, अपना गांव बोलो भाई, अपना गांव। ढूंढ भी गए तेरे सारे गांव वाले। उस फैक्ट्री से मेरी इतनी कमाई है कि जिसके सामने गांव वालों की जान की कोई कीमत नहीं। जस्सी बच गई। ओ जस्सी बच गई।